असाधारण वातावरण संकेत दे रहा है कि मेरी बहन का आठवां पत्र जन्म ले चुका है। मेरा काल जन्म ले चुका है। अब मेरा काल मेरे हाथों से काल के गाल में समा जाए। अब देवता मेरे समक्ष कांपेंगे, खड़खड़ाएंगे, रोएंगे, क्योंकि मैं उनके षड्यंत्र में फंसा नहीं। अब संपूर्ण संसार जानेगा ये मथुरा नरेश कंस अचारा मरा है, अचिन के है। ईश्वर ने स्वयं साक्षात प्रकट होकर मुझे इस बालक को गोकुल ले जाने का आदेश दिया। ये मेरा स्वप्न तो नहीं? ईश्वर ने कहा कि मैं स्वयं तुम्हें मार्ग दिखलाऊंगा, परंतु ये कैसे संभव होगा? मेरे मेरे हाथ पांव में तो बेड़ियां बंधी हुई हैं। मैं इस बालक को कैसे गोकुल ले जाऊंगा? कारागार से किसी भांति निकल गया, परंतु यमुना के इस रुद्र रूप का सामना कैसे करूंगा?
यमुना की धारा ऐसे बह रही है मानो अभी प्रलय हो जाएगी। इस अबोध बालक को लेकर भला मैं कैसे इस वेगवती नदी को पार कर पाऊंगा? सहायता करो ईश्वर, पथ प्रदर्शन कीजिए प्रभु। ये हाथ है मेरा, कंस का मस्तक नहीं। परंतु तुम्हारे कोमल हाथ इतने कठोर हो सकते हैं, ये मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। कठोरता तो आपने दिखाई है माधव, पहले ही क्या कम विपदाएं उठाई थी इस वसुश्री ने, जो आपने उन्हें गोकुल में ले जाने का कार्य सौंप दिया, वो भी उस काली रात्रि में। और यमुना देवी, वो क्यों इतनी उग्र बन गई थी? उन्हें तो इस स्थिति में स्वसुर श्री की सहायता करनी चाहिए थी, परंतु वो उनके रास्ते की बाधा बन गई। आखिर ऐसा क्या बैर था उनके साथ? किसने कहा कि देवी यमुना पिताश्री से बैर कर रही थी? उन्हें तो स्नेह था मुझसे, उन्हें मेरा मुख देखने की और मेरा स्पर्श करने की व्याग्रता थी, और इसी सरल स्वभाव को पिताश्री भी तुम्हारी तरह उग्रता समझ बैठे।
मिलता नहीं मेरे लाल, इसके पश्चात तुम्हारा मुख देख भी पाऊंगा या नहीं। मैं संसार का सबसे अभागा पिता हूं, ना चाहते हुए भी तुम्हें अपने से दूर करना पड़ रहा है, परंतु मैं सौभाग्यशाली भी हूं कि मैं तुम्हें जीवन दे पाऊंगा। हमें शीघ्र अतिशीघ्र सबकी दृष्टि से बचकर नंद के भवन पहुंचना होगा।